हम आज आपको बताएंगे कि प्रदेश में सरकार के और जनप्रतिनिधियों के लाख दावों के बाद भी शिक्षा का स्तर क्या है। सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। मामला सीहोर के नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत आने वाले शासकीय स्कूलों का, जहां एक दर्जन से भी ज्यादा स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को होने के बाद भी शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की जा रही। इतना ही कुछ स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ समय से अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी नहीं की जा रही। जब इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि जल्द ही स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करा दी जाएगी। आज आपके द्वारा मुझे बताई गई है, हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित संकुल प्राचार्य को बोला है। मुझे ऐसा लगता है कि एक परिसर एक शाला में कुछ स्कूल प्राथमिक और माध्यमिक मर्ज हो गए हैं, तो वो शिक्षक विहीन नहीं है, कोई ना कोई प्राथमिक वाला माध्यमिक में पढ़ा रहा है या माध्यमिक वाला प्राथमिक में पढ़ा रहा है। फिर भी चूंकि आप कह रहे हैं तो हम इसकी समीक्षा करके और निश्चित रूप से 2-3 दिन के अंदर, आज हम वहाँ मौके पर अधिकारी भी भेज रहे हैं और कल हम यहाँ मीटिंग भी बुला रहे हैं और जानकारी लेकर उसमें शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये समस्या आज और यहाँ की तस्वीरों को हमारे संवाददाता के जरिए एक बार समझते हैं। अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में एक दो या तीन स्कूल नहीं, लगभग एक दर्जन से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक ही नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां की शिक्षा का स्तर क्या होगा, बच्चों की स्थिति क्या होगी। जी बिल्कुल जय जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये विकासखंड जो नसलगंज लगता है, इसमें करीबन ऐसे स्कूल देखे गए हैं जहाँ पर शिक्षक विहीन स्कूल इनको कहेंगे, इसमें शिक्षक नहीं है। और कई जगह जैसे हमने और भी स्कूलों में जाकर देखा है तो बच्चे स्कूल आते हैं और शिक्षक के अभाव में वो वापिस घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से काफी मतलब देखा जाए कि नसलगंज जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत करीबन 9 ऐसे जन शिक्षा केंद्र हैं जहाँ पे 2 या 4 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक है ही नहीं, शिक्षक विहीन बोलेंगे अपन उनको। अमित जी, कुछ स्कूलों के नाम आप बता सकते हैं, क्योंकि एक दर्जन इनकी संख्या है, लेकिन ऐसे कोई स्कूल जहाँ पर अतिथि शिक्षक हो, या फिर कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर अतिथि शिक्षक का नामो निशान भी नहीं है, बच्चे वहाँ पर आते हैं सिर्फ अपनी अटेंडेंस देकर चले जाते हैं, यही हाल शिक्षकों का भी है। नहीं, जैसे जन शिक्षा जो यहाँ पे 9 जन शिक्षा केंद्र ऐसे हैं जिनमें ये पांगरी ले लिया जाए वहाँ पे जो शिक्षक है कि नहीं मिल पाए। उसके बाद अपन जन शिक्षा केंद्रों को जैसे लें तो बाला गांव है, चकलडी है, लालपुरी है एक जन शिक्षा केंद्र जिसमें कई 2 या 3 स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक नहीं है। जी अमित जी, यहाँ पर अगर बात की जाए अधिकारियों की, और कितना समय, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कितना समय हो गया यहाँ पर कि इन स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुँच पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जी हुआ क्या है कि अभी अधिकांश शिक्षक जो है कि अब स्वेच्छा जो स्थानांतरण हुए हैं उसके अंतर्गत सभी अपना अपना स्थानांतरण करा लिया है। इसके कारण एकदम से शिक्षकों की कमी इस संकुल में आ गई है। उसके कारण कई स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल ही शिक्षक विहीन हो गए हैं, क्योंकि स्थानांतरण हो गए, बाहर से जो शिक्षक आए हुए थे वो अपना स्थानांतरण करा के अन्य संस्था को चले गए, इसके कारण ये संस्था खाली हो चुकी है। ठीक है, स्थानांतरण होता है तो उनकी जगह दूसरे शिक्षक को वहां पर पदस्थ किया जाता है, अगर एक शिक्षक का स्थानांतरण किया जाता है तो शिक्षक तो यहाँ पर है ही नहीं, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, बच्चों की पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ एसएन विसेन जी, जिला शिक्षा अधिकारी जुड़ गए हैं। अमित जी, एसएन विसेन साहब, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। विसेन जी, मैटर यही है कि सीहोर के नसरुल्लागंज के अंतर्गत जितने भी सरकारी स्कूल आते हैं, लगभग एक दर्जन स्कूल जिनकी संख्या है, और हमारी टीम भी आपके पास पहुंची थी बात करने के लिए, स्कूल में शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षकों के भरोसे ये स्कूल चल रहे हैं, और कहीं पर तो अतिथि शिक्षक भी नहीं है। बताया जा रहा है कि उनका स्थानांतरण हुआ है, लेकिन अभी तक दूसरे स्कूल दूसरे शिक्षकों के यहाँ पर नहीं भेजा गया है।
नहीं, अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल एकीकृत हो गए हैं, तो उसमें यदि प्राथमिक में शिक्षक नहीं है तो माध्यमिक वालों को पढ़ाना है, और यदि माध्यमिक में नहीं है तो प्राथमिक वालों को पढ़ाना है। तो जब इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो ऐसी स्थिति एकदम से नहीं है। कुछ एक स्कूल जरूर प्रकाश में आए हैं, हमने वहाँ संकुल प्राचार्य को भेजा भी है, और प्रथमतः तो अतिथि शिक्षक ही वहाँ रखा जाएगा, अतिथि शिक्षक के लिए कार्यवाही चल रही है, और इसके बाद भी नहीं होगा तो जहाँ कहीं सरप्लस टीचर हैं, अतिशेष टीचर हैं, हम लोग वहाँ से भेजेंगे। आप कभी गए हैं इन स्कूलों का दौरा करने के लिए? आपने कभी यहाँ पर जाकर देखा है कि किन स्कूलों में कितने शिक्षक मौजूद हैं, कहाँ पर शिक्षा का स्तर क्या है, कहाँ पर पढ़ाई हो रही है? नहीं, सब स्कूलों का पूरे जिले का दौरा करने के लिए लोग नियुक्त हैं। हाँ। वहाँ सबसे शुरू में जन शिक्षक देखते हैं, फिर डीआरसी डीओ देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है विसेन साहब? मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि आपका काम क्या है, मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप वहाँ पहुँचे कि नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी। हमारे साथ संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले थोड़ा सा मेरी बात सुने जी। मेरा आपसे ये आग्रह है कि हम लोग एक मीटिंग में है, है ना, तो एक सीमा से ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, आप मेरा वर्जन उसमें ये प्लीज नोट कर लें कि जहाँ भी एकीकृत शाला है तो वहाँ दोनों को मिला के पढ़ाना है। अगर प्राथमिक में शिक्षक नहीं है तो माध्यमिक वाले पढ़ाएंगे, माध्यमिक वाले नहीं है तो प्राथमिक वाले पढ़ाएंगे, और अतिथि शिक्षक भी रखे जा रहे हैं, इन्हीं से व्यवस्था की जाएगी। वही मेरा सवाल विसेन साहब कि कब तक व्यवस्था की जाएगी, वही मैं पूछ रही हूँ। आप ठीक है कह रहे हैं प्राथमिक और माध्यमिक का बात आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो जहाँ पर शिक्षक मौजूद नहीं है, आप इनकी संख्या केवल एक या दो स्कूल बता रहे हैं, लेकिन हमारे जब संवाददाता वहाँ पर पहुँचते हैं ग्राउंड जीरो पर जहाँ पर स्कूल है, वहाँ जाके जब स्थिति देखते हैं तो कुछ और तस्वीर निकल कर सामने आती है। आप ये कह रहे हैं कि आप जाते नहीं है, आपने लोगों को अपॉइंट करके रखा है, वो जाकर आपको रिपोर्ट देते हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे था कि आप क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं जाकर वहाँ पर तस्वीरें देखते कि बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, शिक्षक नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं क्योंकि शिक्षकों का अभाव है। आप समस्या को समझने का प्रयास करें, हम क्यों नहीं जाते ऐसा नहीं है, हम जाते हैं, पर पर्टिकुलर आप जिस स्कूल को कह रही हैं वहाँ, मैं पर्टिकुलर किसी स्कूल को नहीं कह रही हूँ, जिला में जाते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर एक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं है, मैं किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ विसेन साहब। अगर आप आग्रह कर रहे हैं, आप ये बातें कर रहे हैं, तो मैं किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक दर्जन स्कूल ऐसे हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। हम लोग जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, रिपोर्ट आती है, और जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ की समस्या को भी हम लोग दूर करने का जो शासन के नियम है, जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार प्रयास करेंगे। और तब तक बच्चे क्या करेंगे, तब तक उनकी शिक्षा प्रभावित नहीं होगी? बच्चों का अतिथि शिक्षक अगर है तो फिर आप तो माने कि पढ़ाई तो हो रही है, अतिथि शिक्षक की भी योग्यता वही है और इनकी भी है, जो आप एक काला पानी करके उसकी रिपोर्ट मेरे पास रखी है, मैंने वहाँ संकुल प्रिंसिपल को भेजा है, हम लोग वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं और एक सप्ताह में हो जाएगी। एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी आप कह रहे हैं? नहीं, भर्ती नहीं हो जाएगी, मतलब अतिथि शिक्षक पदस्थ हो जाएंगे, क्या कह रहे हैं आप? भर्ती नहीं हो जाएगी, वहाँ कुछ व्यवस्था हो जाएगी, कहीं ना कहीं से कुछ करेंगे, या तो अतिथि शिक्षक रखाएंगे या शिक्षक कहीं से ट्रांसफर करेंगे सरप्लस जो है। यानी कि जो शिक्षा अगर अभी प्रभावित हो रही है बच्चों की, तो एक हफ्ते बाद से उनको रेगुलर जो है शिक्षा मिलने लगेगी, टीचर वहाँ पर उनकी क्लासेस अटेंड करेंगे? यस यस, बिल्कुल करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एसएन विसेन साहब। और हमारे साथ एसएन विसेन साहब जुड़े थे, लेकिन जिस तरह से उनका कहना है, जब उनसे पूछा जाता है कि आप कभी निरीक्षण करने जाते हैं या नहीं, तो उनका यह कहना है कि हमारा काम नहीं है, बहुत से लोग हमने अपॉइंट करके रखे हैं जो हमें रिपोर्ट देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, ये अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं संभलेंगे, नहीं समझेंगे, तो कैसे शिक्षा के स्तर में सुधार आ पाएगा? जितने भी कार्यक्रम आवाम आवाज के जरिए हम दिखाते हैं, उसमें बस यही बात निकल कर आती है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश ही नहीं करते। संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, एसएन विसेन साहब हमारे साथ जुड़े थे, जब उनसे पूछा जाता है कि स्कूलों की स्थिति क्या है, आपको पता है यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, तो उनका ये कहना है कि सारे स्कूलों में ये हालात नहीं है, केवल एक या दो गिने चुने ऐसे स्कूल है जहाँ पर ये स्थिति है।
नहीं, पर अगर जैसा ये बता रहे हैं जितेंद्र जी, तो मैं ये बताना चाहूंगा उनको कि उनके ही विभाग द्वारा एक लिस्ट दी गई जिसमें उन्होंने ये जन शिक्षा केंद्रों के नाम दिए अपने चैनल के माध्यम से। अपन ने उस लिस्ट को भी दिखाया था कि उसमें हर 9 ऐसे जन शिक्षा केंद्र दिए हैं जिसमें करीबन 20 स्कूल ऐसे हैं जो इस समय शिक्षक विहीन है, क्योंकि ये अपनी खुद की जानकारी का उनके स्टाफ जो सूत्रों से माने या उनके जो विभाग द्वारा जो सूची दी गई थी उसमें बाकायदा नाम दिए गए उन स्कूलों के और उसके बाद जन शिक्षा केंद्रों के कि करीबन 9 जन शिक्षा केंद्र ऐसे हैं। तो ये एसएन बिसेन साहब के पास कौन सी रिपोर्ट पहुंची? क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी जिम्मेदारी, आप अगर वहां पर जाकर दौरा नहीं करते, क्षेत्र का निरीक्षण नहीं करते, तो कैसे पता चलेगा कि वहां पर स्कूलों में क्या हो रहा है? तो उनका ये कहना है कि भाई हमने तो वहां पर लोग अपॉइंट करके रखे हैं, हमें यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाती है। मतलब ये कहा जा सकता है अमित जी कि जो जिम्मेदार बैठे हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी का ही एहसास नहीं है? जी जी बिल्कुल सही है, आप जहाँ कह रहे हैं कि बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन पहले भी मैंने उनको इस बातों से अवगत। अमित जी आपको आवाज आ रही है? लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सीहोर जिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीहोर के नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत जो शासकीय स्कूल है वहां पर लगभग दर्जन भर ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। और मोहनलाल शर्मा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी जी धन्यवाद। मोहनलाल जी नसरुल्लागंज तहसील की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक दर्जन ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है और कुछ अतिथि शिक्षक हैं तो उनका भी तबादला कुछ हो गया है और वो भी यहाँ पर समय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। जिम्मेदारों का ध्यान ही नहीं है इस तरफ? नहीं नहीं, हम लोगों ने प्रभारी मंत्री जी के नॉलेज में भी बात डाली है और ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्योंकि सब ऑनलाइन करा है उनको, तो जैसे ही ऑफलाइन व्यवस्था होगी वहाँ अतिथि शिक्षकों की, तो अभी तत्काल व्यवस्थाएं करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अतिथि शिक्षकों के भरोसे कब तक स्कूल संचालित करेंगे मोहनलाल जी? क्योंकि अतिथि शिक्षक भी हैं और वो भी कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, बच्चों की शिक्षा तो प्रभावित हो रही है ना। आपकी सरकार कांग्रेस सरकार तो तमाम दावे शिक्षा के को स्तर को सुधारने के लिए कर रही है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ 64 अध्यापकों की एक ट्रांसफर सूची भी पेंडिंग पड़ी हुई है डीओ साहब के ऑफिस में, वो भी बहुत जल्दी निकल रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में थोड़ी व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है, उसको हम सुधरवाने का प्रयास कर रहे हैं ऊपर के लेवल। आपको नहीं लगता मोहनलाल जी के जो ट्रांसफर चल रहे हैं इसके कारण कहीं ना कहीं प्रभाव आम लोगों पर भी पड़ता है, अधिकारियों पर पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसके कारण जो उससे जुड़े हुए हैं, उन अधिकारियों से लोग जुड़े होते हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अब आप शिक्षकों का अगर तबादला करते हैं तो बच्चों की शिक्षा के ऊपर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता है, उनके शिक्षा के स्तर में गिरावट आती है। अब मैडम ये 15 साल की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको धीरे धीरे सुधार। 15 साल का राग मत अलापिए मोहनलाल जी, 15 साल का राग मत अलापिए, आप अपनी बात करिए, आपकी सरकार की बात कर रही हूँ मैं, 15 साल जो हुआ वो हुआ। हाँ तो वही तो ये क्या था कि कहीं पर तो जहाँ 2 शिक्षकों की आवश्यकता है वहाँ 10 शिक्षक है, और कहीं अब क्यों नहीं सुधर रही व्यवस्था? ठीक है आप ठीक है, आप 15 साल की जो व्यवस्था है, जो खराब सिस्टम है जैसा आप कह रहे हैं, आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अब यहाँ पर स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं पदस्थ हैं? क्यों बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं? मैंने आपको ऐसे निवेदन करा ना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के चक्कर में वहाँ पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, उसको बहुत जल्दी हम व्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी कब तक मोहनलाल जी? लगभग 15 दिन तो लग जाएगा। 15 दिनों में आप यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देंगे, सारे स्कूलों में हर क्लास में शिक्षक मिलेंगे? मैं तो इतना बड़ा पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जो ऊपर के लेवल की बातें हो रही है उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहनलाल शर्मा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे। चाहे जनप्रतिनिधि से आप बात कर लीजिए, चाहे जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर लीजिए, जवाब आपको रटा रटाया मिलेगा। जो आश्वासन दिए जाते हैं वही आश्वासन देने की कोशिश की जा रही है, और लेकिन शिक्षा के स्तर में सुधार कहीं से भी नहीं हो रहा है। क्योंकि बात यही है, सरकार योजनाएं चला देती है, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचने ही नहीं देते हैं।